2003 में यामाहा ने अपनी मैजेस्टी लाइनअप को सबसे पहले यूरोपियन और एशियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया है। यामाहा ने हाल ही में मैजेस्टी S155 मैक्सी स्कूटर को नया रूप दिया। इसमें R15V3 इंजन, नया डिजाइन और अद्यतन सुविधाएं हैं। चीजों को सरल बनाने के लिए यहां 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको मैक्सी स्कूटर के बारे में अपडेट रखेंगी। 2020 में मैजेस्टी S155 स्कूटर चारों ओर लेड लाइट्स और एक ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 3-pod सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कंफर्ट के लिए फ्रंट फ्यूल फिलर कैप और 12-volt DC-USB सॉकेट के साथ पैक किया गया है। मैजेस्टी S155 प्रैक्टिकल सुविधाओं के साथ आता है, जैसे कि सीट स्टोरेज के तहत 32 लीटर का एक विशाल हिस्सा जो फ्रंट एप्रन में फुल फेस हेलमेट फिट कर सकता है। यामाहा मैजेस्टी S155 उसी लिक्विड कूल्ड 155cc इंजन का उपयोग करता है जो R15V3 पर देखा जाता है। पावर के मामले में यह 15 PS की पावर और 14 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है, तो यह R15V3 पोर्ट बाइक की तुलना में 3.6 PS और 0.1 न्यूटन मीटर कम बनाता है। इंजन की कम शक्ति बनाने के बावजूद यह अभी भी अप्रिला SXR160 की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जिसे इस साल भारत में लॉन्च किया जाएगा। यामाहा का दावा है कि यह CVT इंजन WMTC टेस्ट के अनुसार 37.5 किलोमीटर का माइलेज देता है। हार्डवेयर और ब्रेक लीवर के अलावा कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है। इसमें पहले की तरह ही टेलीस्कोपिक फोक और रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसके ब्रेकिंग सेटअप के लिए एक 267mm पेटल डिस्क अप फ्रंट और पीछे 245mm डिस्क। 2020 यामाहा मैजेस्टी S155 को जापान में 379,500 येन के लिए लॉन्च किया गया है, लगभग 2.61 लाख रुपए में। यह 3 रंगों में उपलब्ध है, पीला, ग्रे और काला। भारत के लिए नई यामाहा स्ट्रेटेजी को देखते हुए प्रीमियम शेयर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम 2021 तक भारतीय सड़क पर ऐसे स्कूटरों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इन स्कूटरों की मांग बढ़ रही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक यामाहा अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।